हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जैसे ही शॉर्ट्स देखती है कहती है 15 शॉर्ट्स, आर यू क्रेजी और व्हाट यार, मतलब 15 शॉर्ट्स कौन लाता है यार। और वो कह के बैठ जाती है ज़मीन पे सोफे से, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, कहते ये क्या हुआ, कहते यार सीरियसली 15 शॉर्ट, दिमाग ठिकाने पे है या दिमाग को बेच के खा चुकी हो, क्या किया क्या है यार। और मम्मी आप साथ में गई थी ना, आपको नहीं रोकना चाहिए था। तो उसकी मम्मी कहती है मुझे क्या पता है इसने तुम्हारे लिए कब क्या लिया है, मैं अब उसमें हस्तक्षेप करती कि तुम क्या ले रही हो क्यों ले रही हो वो अच्छा लगता। हाँ मैं उसे कुछ नहीं बोलती हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। कहती हाँ सही है सही है, जैसी सास वैसी बहू, सही है बिल्कुल सही है। और तुम्हें किसने कहा था ये 15 शर्ट्स लाने के लिए, मैंने कहा था। तो श्रुति कहती है कि अब आपको सारी पसंद आ रही थी, मैंने तो वीडियो कॉल किया था कि आपको कौन सी पसंद है बता दीजिए, तो आपको सारी पसंद थी और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी लूँ, तो मैंने सारी ले ली। तो कहती हैं कि वाह, तो मैंने सारी ले ली, वाह क्या कहूँ मैं आपको, नहीं मतलब क्या सॉरी गाइस, मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि पसंद आ रही थी सारी ले ली। कल को मुझे पूरा शोरूम पसंद आएगा, पूरा मॉल पसंद आएगा, तो क्या करोगी। तो श्रुति बहुत प्यार से बहुत कामली जवाब देती है, तो क्या शोरूम मॉल आपके नाम लिखवा दूंगी। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, लगती है मुंह खोल के। तो असना बोलती है मुंह बंद करो यार मक्खी घुस जाएगी। तो अक्षय से घूर के सना को देखती है, कहती है शट अप श्रुति, थोड़ा तो दिमाग से काम लिया करो, 15 शर्ट्स यार मायने लगाती है, कौन खरीदता है 15 शर्ट, शादी है घर में किसी को देना है, क्या 15 शर्ट्स कौन लेता है बेवकूफ इंसान। तो कहती है ओके फाइन, बेवकूफ हूँ ना, ठीक है मैं बेवकूफ से, तुम खुश रहो ठीक है। यार 15 शर्ट ले ली है तो कौन सी आफत आ गई, वो शर्ट देख देख के मैं आपकी बोर हो चुकी थी, आपके पास एटलीस्ट इतनी शर्ट तो होनी चाहिए ना कि एक हफ्ते बाद दूसरी शर्ट का नंबर आए। तो श्रुति चुप हो जाती, अक्ष चुप हो जाती, कहती है बस बिक गई मैं। तो श्रुति कहती इसमें आपके पैसे तो नहीं गए ना फिर। तो अक्ष बोलती अच्छा मेरे पैसे नहीं गए तो किसके पैसे गए हैं जरा बताना मुझे, किसके गए हैं। हाँ नहीं मेरे पैसे नहीं गए हैं, तुम्हारे पापा जी के गए हैं ना। हाँ तुम्हारे पापा जी ही देंगे हमेशा, हर वक्त जब भी तुम्हें जरूरत होगी वही देंगे ना, और मुझे तो कुछ देना नहीं है तुम्हें, यही ना। बोलो, और ये पापा की धमकी ना मुझे बार बार मत दिया करो, पापा ने दिया नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पापा की कोई चीज, ले जाओ ये शर्ट आपके बाद नहीं पहननी मुझे। तो अक्ष की मॉम बोलते हैं कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। तो अक्ष बोलते हैं कि मॉम वो तो मैं बस ऐसे मैं सीरियसली नहीं कह रही थी कुछ भी, मैंने तो मजाक में कह दिया था। तो आंटी बोलते हैं मजाक कुछ ज्यादा नहीं होता तुम्हारा, कम मजाक किया करो। तो अक्ष चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, बस श्रुति को घूर के देख के रह जाती है। तो उनकी मॉम बोलती हैं अक्ष एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए लेके आई है
अपने लिए नहीं लेके आइए। तो अक्ष बोलते बट मॉम इतना खर्चा नहीं, आज इनको इनके पापा ने पैसे दे रखे हैं इसलिए ये खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हैं, बचा के रखें आगे काम आएगा ना, ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप बेवजह उड़ाए जाओ। वक्त का तो कोई भरोसा नहीं होता ना, कब क्या मोड़ आ जाए। नहीं मतलब क्या इतना पैसा मॉम, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लिटरली चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो उनकी मॉम कहते हैं अच्छा ठीक है ना, कल उसको रिंग दिलवाने जा रही हो ना, दिलवा देना जितने भी दिलवाने हो हाँ, तो वो दिला देना, बात कंप्लीट हो जाएगी उसकी भी और उसकी भी, वॉच की भी और उसकी भी। वो कहते हैं मॉम मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मैंने रोड पे आ जाना है, ये बात तो पक्की है, तो मैंने रोड पे आ जाना है, हाथ में कटोरा ले लेना है एक तरफ, दोनों सास बहू मिलके मुझे बेच डालो, ऐसे खर्चे रहे तो मैंने बिक जाना है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं संन्यास ले लेती हूँ, चली जाती हूँ वहाँ राम भजन करती हूँ, ठीक, और आप लोग यहाँ पैसा खर्च करो। हद होती है यार, 15 शर्ट मैं तो बिक जाऊंगी। तो ये कह के उसकी मामू से जोर से डांटती, कहती बस बहुत हो गया 15 शर्ट 15 शर्ट, दिमाग खराब करके रख दिया है क्या हो गया, जो तुम हर महीने लेने पहुंच जाती हो उसने एक बार में रख दिया लाके, इस हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो हर महीने तुम लेने जाती हो, 12 महीने में 12 शर्ट्स आती हैं, उसने 1 महीने में 15 लाके रख दी, अब मत लेना पूरी साल शर्ट, हो जाएगा सब बराबर, जाओ यहाँ से अब। तो अक्ष कहती है करो जो करना है, मुझे तो पागल बना ही रखा है आप लोगों ने, 15 शर्ट इंसान हिसाब से लेता है हर महीने ये शर्ट। तो कहती है हाँ हो गया अब जाओ यहाँ से, कहती हाँ जा रही हूँ, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है ऊपर छत पे, छत पे घूमती रहती है और समिता को कॉल करती है, समिता फ़ोन उठाती हैं, एक बार मैं नहीं उठाती हूँ दूसरी बार उठाती हैं, तो एकदम समिता पे अक्ष हल्ला पड़ते हैं, कहाँ थी तुम, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा तुमसे, कब से फ़ोन कर रहे हो, नहीं तुम्हें भी बात नहीं करनी तो तुम भी बता दो। समिता कहती है अरे काम डाउन क्या हुआ है आपको, क्यों इतना तड़प रहे हो, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया हाँ, कोई बात है बताओ क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई बात तो है बताइए, नहीं तो आप इतना तो बौखलाए हुए नहीं घूमते हो, कुछ हुआ मम्मी ने कुछ कहा या सताक्षी ने कुछ कहा। तो अक्ष बोलते हैं यही दोनों तो कुंडली मार के बैठी हैं मेरी जिंदगी में। तो सविता कहती क्या मतलब है, ते मतलब यही है आज मैंने सुबह गलती से बोल क्या दिया कि नहीं मेरे पास शर्ट, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ले आना मेरे लिए शर्ट, ले आई मेरे लिए शर्ट। तो सविता कहती तो अच्छी बात है ना, आपको शर्ट्स पसंद है तो ले आई आपके लिए, इसमें क्या इतना क्यों इतना परेशान हो। तो अक्ष बोलते हैं पता भी है कितनी शर्ट लाई है, 15 शर्ट्स लाई है वो एक बार में, 15 शर्ट नहीं मतलब मेरे घर में पार्टी थी, बर्थडे था कि मेरे घर में लोग आ रहे हैं, बुआ आ रही हैं, चाची आ रही हैं, ताई आ रही हैं, ये उनके बच्चे आ रहे हैं कि मुझे सबको शर्ट बांटनी थी, 15 शर्ट यार बिक गई मैं, समिता मैं बिक गई, इतनी महंगी लड़की इतनी महंगी बहू लेके आई है, मेरी मम्मी इतनी महंगी बहू लेके आई है, हद नहीं हो गई है बिल्कुल, कभी घड़ी लाके पहना देती है 99,000 की, कभी 15 शर्ट उठा लाती है, और कल मुझे रिंग दिलाने जाना, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं कौन से रिंग पे हाथ रख दे ये। तो समिता कहती काम डाउन, वो ऐसी नहीं है समझ जाएगी, ज़्यादा टेंशन मत लो तुम, ठीक है समझ जाएंगी वो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब वो इतने रिच फैमिली से आई हैं, वो हमेशा पैसा उन्होंने हाथ खोल के खर्चा किया है, थोड़ा समझने में वक्त लगेगा उनको, सब समझ जाएंगे। तो अक्ष कहती है हाँ मैं वो नौबत ही नहीं आने दूंगी, तो
तुम तो ऐसे बता रही हो कि समझ जाएगी ये, जैसे मुझे उसके साथ पूरी जिंदगी घर ही बसाना है अपना। जब तक चल रहा है ठीक है, बस हो गया, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे, ना मैं दूंगी एक पैसा, अपना खर्चा करे जहाँ से करना है, अपने लिए करे भाई, ना मेरे से ले ना मुझे लेना है, बात खत्म। तो समिता कहते हैं अच्छा सही है सही है, सही जा रहे हो। तक्ष कहते हैं क्या सही जा रही हो? तो कहते हैं हाँ हाँ, आपको क्या मतलब है, आपको कोई मतलब थोड़ी ना है, ठीक है कोई बात नहीं, तो अपने पापा से लेके खर्चा कर लेगी, इसमें क्या दिक्कत है, आप क्यों इतनी परेशानी में हो? अब वैसे भी आज जो शर्ट लाई होगी वो आपके पैसों से तो नहीं लाई होगी ना? हाँ, तो अक्ष बोलते हैं पता नहीं, मैंने तो उसे जो पैसे दिए थे एक ही दो बार दिए हैं, मैंने पैसे वैसे नहीं दिए उसे, अब पता नहीं उन्हीं पैसों से लाई है या अपने पापा के पैसों से लाई है, मुझे नहीं पता। तो समिता बोलती हैं तो ठीक है ना, आगे समझ जाएगी नहीं करेगी, अब इतना क्यों परेशान हो रहे हो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, इतना नहीं परेशान हो। तो अक्ष बोलते हैं हाँ सही बात है, जो हो गया सो हो गया, सब इतना इजी तो होता है ना सब कुछ, जो हो गया सो हो गया, क्या करना क्या है, कुछ नहीं। तो समिता उन्हें बहुत समझाती हैं, तो अक्ष कहते हैं भाई मैं बिक गई, मैंने बर्बाद हो जाना है, यही सारे रीजंस थे मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे पता था लड़कियां कैसी होती हैं, कितना खर्चा कराती हैं, भाई मेरी यार मेरी तो बैंड बज गई है, इस हिसाब से खर्चा करेगी, कल को अगर मैं सोचूं कि मैं पैसे दूं उसको घर चलाने के लिए, तो वो तो अगर 1 किलो मैदा लाना होगा तो सोचेगी लाओ साल भर का मैदा ला के रख लेती हूँ। जैसे मम्मी ने कहा कि जो है 12 महीने की शर्ट उसने एक ही बार में ला के दे दी है, तो ऐसी सोचेगी हर महीने क्या राशन लाना, लाओ साल भर का राशन एक ही बार में भरा लेते हैं, है कि नहीं है? फिर तो हर महीने का जो खर्चा होना है वो क्या कहते हैं उसको, पंजीरी बना लो सत्यनारायण भगवान की और पूरे साल वही बैठ के फकाते रहो मुंह में। समिता हंस पड़ती है, समिता कहती है क्या बोले जा रहे हो आप? तक्ष कहते मुझे नहीं पता क्या बोले जा रहे हो यार, मेरा दिमाग चकरा गया है कसम से। तो समिता कहती है अच्छा एक्सेप्टेंस तो आ रही है ना आपके अंदर कि उसको आगे चल के घर खर्चे के लिए आपको पैसे देने हैं ना, मान रहे हो ना कि वो आपकी वाइफ है। अक्ष कहता है एक तो तुम्हारी गाड़ी यहीं आगे घूमती रहती है, इसी दूरी पे घूमती रहती है, तुम्हारी तो दूरी ही नहीं जो आगे बढ़ती है, इसी दूरी पे अपनी गाड़ी घुमाते रहा करो। मैं बात किस बारे में करती हूँ, आप बार किस दिशा में घुमा के ले जाती हो? हाँ बहुत सही बहुत सही, जिसको देखो अपनी जूते जा रहा है, सही है भाई। तो समिता कहती है यार गलत क्या कह रही हूँ, मैं भी तो सही कह रही हूँ, अब आप ही तो एक्सेप्टेंस आ रही है ना, अभी तो आप ही कह रहे हो आगे का खर्चा चलाए तो ये कर देगी वो कर देगी। तो अक्ष कहती है यार मेरे बात का मतलब समझो, मेरे वर्ड्स को मत पकड़ो, मैं कहना क्या चाहती हूँ वो समझो, अपनी गाड़ी को मतलब आपका पता है क्या हाल है समिता? समिता कहती है क्या हाल है मेरा? तो कहते हैं आपका हाल ये है कि एक रेलगाड़ी सामने की तरफ से आ रही है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक गाड़ी इस तरफ से आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, लेकिन आप जो है हर क्वेश्चन में अब इस रेलगाड़ी का चाल समय और दूरी का कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें फॉर्मूला आप एक ही फिट करोगी, फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं। तो समिता कहती है कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं बताना जरा? कहती है 40 = दूरी / समय, दूरी = चाल × समय, समय = दूरी / चाल, वेग = विस्थापन / समय, हाँ और जो है और क्या कहते हैं, हाँ औसत चाल जो है तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय। तो समिता कहती है आपको सारा याद है? कहते हैं हाँ बिल्कुल याद है। कहते हैं अच्छा तो तुम तो हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला फिट करोगी। कहती क्या? कि दूरी = चाल × समय। तो कहती क्या बोले जा रही हो? कहती और क्या, आपकी गाड़ी वही घूमती रहती है, आप उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हो, मैं बात किस बारे में कर रही हूँ, आप वही गाना गाए जा रही हो, हाँ कि 1 किलोमीटर प्रति आवर = 5/18
और जो है मीटर प्रति सेकंड। तो संहिता कहती है फोन रख दो, दिमाग हो गया आपका खराब, सदमा लग गया है आपको और कुछ नहीं, समझ में आया? आपको बहुत बड़ा सदमा लग चुका है। सदमा 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 किसे कहते हैं पता है? कहती क्या है? तो कहती हाँ पैसा गया है ना, तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वेलोसिटी टाइम एवरेज स्पीड पता नहीं क्या क्या बताए जा रही हो आप मुझे, पता है बात क्या चल रही है? आपको मैथ के फॉर्मूले याद आ रहे हैं? यार मैं क्या करूं, मेरे को सच में सदमा लग गया है, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, इतना पैसा कैसे खर्च कर सकती है वो? कोई भी लड़की इतना पैसा खर्च करने से पहले 50 बार सोचेगी यार। समिता कहती है मैंने बोला तो सीख जाएंगी धीरे धीरे, वो जब वो इतनी रिच फैमिली से हैं उन्होंने पैसा खर्च करने से पहले कभी एक बार सोचा ही नहीं, तो इस पर भी यही हाल हुआ है ना। धीरे धीरे यहाँ के हर चीज में वो ढल जाएंगे, उन्हें विश्वास तो करो, उन्हें थोड़ा वक्त तो दो आप। तो अक्ष बोलते हैं ठीक है जैसा आप कहो। तो समिता बोलते हैं अच्छा ठीक है, बहुत टाइम हो गया, आप जाके सो जाओ ठीक है। कहती यार नींद तो मेरी उड़ गई है, मेरे तो दिमाग में वही 15 शॉट्स घूमे जा रही हैं। तो तभी उनकी मॉम का नीचे से फोन आने लगता है। तो अक्ष कहती मॉम का फोन आ रहा है, फोन रखो तुम, कहेंगी पता नहीं किससे मैं बात कर रही हूँ, फोन रखो। तो समिता हंस पड़ती हैं और कॉल कट कर देती हैं। अक्ष फटाफट नीचे जाते हैं, उनकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें कुछ दिखाना था इधर आओ। तो अक्ष बोलता है मुझे नहीं देखना कुछ भी, करते रहो आप, मैं जा रही हूँ सोने। तो उनकी मॉम कहते सुनाई दे रहा है या नहीं? तो उसके कहते आज मम्मी आप मुझे डांटो चाहे डंडा लेके मारो, मैं आज आपकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली, नहीं मानूंगी। और ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो उनकी मॉम कहते हैं चलो कोई नहीं, श्रुति से बोलते हैं कल देख लेगी, थोड़ा झटका लग गया है और कुछ नहीं, जाओ तुम उनका देख लो, उसकी दवाई वगैरह दे दो और जाके आराम करो तुम भी। तो श्रुति भी फिर चली जाती हैं रूम में, वो लोग भी जो डिनर लेके आए होते हैं आंटी कर लेती हैं, और श्रुति को फोन मैसेज कर देती हैं कि डिनर ऐसे ही रखा है हम लोगों ने, कर लिया है, देख लेना बात कर लेना, उनका दिमाग थोड़ा ठीक हो तो उन्हें भी करा देना और सो जाना। श्रुति मैसेज पढ़ती है और रिप्लाई कर देती है ओके मम्मी गुड नाइट। अब वो श्रुति रूम में जाते हैं तो अक्ष चुपचाप लेटे हुए होते हैं। तो श्रुति चुपचाप जाते हैं और कहते हैं कि खाना नहीं खाएंगे आप? हाँ तो अक्ष कहते हैं खाना कितने का खाना खाना है बताओ। तो श्रुति बोलती क्या मतलब है कितने का खाना खाना है? तो कहते हैं कि हाँ कितने का खाना, हाँ खाना तो बना हुआ होगा ना, हाँ जो क्या बनाया वैसे जा तुमने? हाँ तो श्रुति बोलती है कि आज खाना बाहर से आया था। तो अक्ष बोलते वाह मतलब खाना भी बाहर से आया, सही है। तुम सास बहू मिलके पेच डालो, करना क्या है, खाना भी घर में नहीं बन सकता था, पता है मुझे डॉक्टर ने मना किया बाहर का खाना खाने को, फिर भी खाना बाहर से आया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, नहीं खाना मुझे खाना। और ये कह के वो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। श्रुति उन्हें थोड़ा मनाने की कोशिश करती है दूर से ही, लेकिन वो नहीं सुन रहे होते तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती पास जाने की, तो वो भी ऐसे ही लेट सो जाती हैं, वो भी नहीं खाती कुछ। अगले दिन मॉर्निंग में अक्ष की आँख पहले खुलती है और पहली बार इतने दिनों में, तो उठते हैं और फटाफट रेडी होते हैं, तो आवाज़ से श्रुति की आँख खुल जाती है, श्रुति भी उठ जाती है, कहती है आज आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रहे हैं? तो कहते हैं कि काम है मुझे ऑफिस जाना है, अब जितने खर्चे तुम लोगों के हैं जिस हिसाब से उस हिसाब से मुझे काम भी तो बढ़ाना होगा ना, नहीं तो हो चुका काम, जिस तरह के खर्चे हैं इस तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही हो जाए, साल भर का खर्चा एक दिन में करके आया जाता है।
तो श्रुति चिल्ला के पड़ते कहती है, बहुत नहीं हो गया है? नहीं नहीं बहुत नहीं हो गया, मैं तब से सुनने जा रही हूँ, कल से सुनाए मतलब सुनाए जा रहे हो। अरे हो गया भाई, आप ही के लिए लेके आए, किसी और के लिए लेके नहीं आई हूँ मैं, अब बस कर जाइए। और उसमें आपका पैसा नहीं लगा है, बहुत हो चुका। आप पक्ष बोलते मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं, नहीं बताओ ना, मैंने कुछ कहा आपसे? बेवजह आप नाटक किए जा रहे हो, जाओ यहाँ से। तो श्रुति कहती है, यार अक्ष मैंने ऐसा क्या कर दिया है, तुम आप इतने क्यों? तो अक्ष बोलते हैं, बस यार मैं ऑफिस जा रही हूँ और बाद में बात करूँ। तो श्रुति कहती है कि ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ, करके जाइएगा। कहती है नहीं मुझे नहीं खाना, अपने आप खाओ। और ये कह के वो फटाफट अपना वहाँ से निकल जाते हैं। नीचे ही जैसे उतरते हैं, आगे मॉम खड़ी होती हैं, तो मॉम से कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉम। तो उनकी मॉम कहती है, कहाँ इतनी सुबह सुबह, कि ऑफिस कितनी सुबह सुबह, कि हाँ काम ज़्यादा है। तो उनकी मॉम कहती हैं कि कब तक आना है, कि कब तक क्या आना है, शाम को आती हूँ शाम को आऊँगी। तो कहते हैं तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही नहीं रूड बिहेव होता जा रहा है, मुँह पर थप्पड़ ना लग जाए तुम्हारे। तो अक्ष कहते हैं मॉम जाना है ना? तो कहती हैं ठीक है जाओ, शाम को जल्दी आ जाना 5:30 बजे तक, उसको रिंग दिला के लानी है तुम्हें। तो अक्ष बोलते हैं अरे मॉम अभी कल ही तो इतना खर्चा हुआ है, अभी रुक जाओ ना। तो मॉम उसके कहते तुम्हारा खर्चा नहीं हुआ है, तो चुपचाप जाके उसको रिंग दिला के लेके आओ। कहते ठीक है मॉम शाम को आ जाऊंगी, बोल देना तैयार रही। तो कहते ठीक है, अक्ष चले जाते हैं और अपना काम वगैरह जो भी होता है निपटाते हैं। इधर श्रुति का भी मन नहीं लगता, वो भी ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह कुछ नहीं करती है, क्योंकि अक्ष ने नहीं किया होता है तो इसलिए वो भी नहीं करती कुछ भी। और पूरा दिन उसका भी ऐसे ही बीतता है। शाम को अक्ष आने वाले होते हैं तो श्रुति को फ़ोन करते हैं कि रेडी रहना आ रही हूँ मैं, रिंग लेने चल रहा है ना आपकी। तो श्रुति बोलते हैं हाँ चलना है। तो कहते हैं ठीक है रेडी रहना, मैं 10-15 मिनट में पहुंच रही हूँ। तो कहते हैं ठीक है, और फिर वो समिता को कॉल करते हैं, समिता से बात करते हैं। कहते हैं यार क्या करूँ मैं बताऊँ ना, ये खर्चे पे खर्चा, मैं जितना पीछे छुड़ाने की कोशिश करती हूँ उतना ही खर्चा होता रहता है, कुछ तो उपाय बताओ। तो श्रुति के समिता बोलती हैं कि इसका क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं है, मॉम ने कहा है, मॉम का ऑर्डर है तो करना तो पड़ेगा। तो अक्ष बोलते हैं वही तो बात है, मना भी नहीं कर सकती है, मॉम का ऑर्डर है। ये कहते बात करते करते वो घर पहुंच जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है बाद में बात करते हैं, कह के वो कॉल कट कर देते हैं। बाहर से हॉर्न बजाते हैं, श्रुति बाहर आती है और ये लोग जाते हैं वहाँ से रिंग लेने के लिए। जैसे ही ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं, जाते हैं बैठते हैं, तो अक्ष वहाँ से बोलते हैं कि डायमंड रिंग दिखा दीजिए। तो कहते हैं किसके लिए, कि इनके लिए। तो अक्ष बोलते हैं एक बात बताइए, आपने पूछा किसके लिए, मतलब डायमंड रिंग में यहाँ कोई जेंट्स और लेडीज़ बैठी है, लेडीज़ ही है ना दोनों? तो सामने वाला बोलता है आप इतने गुस्से में क्यों है भाई? तो अक्ष बोलते हैं अच्छा सॉरी, वो पता नहीं बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ था। तो वहाँ से उठ जाती हैं, कहती हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर बाद में आती हूँ एक मिनट। तो अक्ष बोलते हैं क्या हुआ? कहते नहीं कुछ काम है। तो अक्ष वहाँ उन्हें गुस्से से देखते हैं बट कुछ कह नहीं पाते। श्रुति बाहर चली जाती हैं। तो अक्ष शॉपकीपर से बोलते हैं कि मैं अभी आई 5 मिनट में, आप पीस निकाल के रखिएगा, रिंग्स निकाल के रखिएगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। श्रुति के पीछे अक्ष जाते हैं बाहर, श्रुति से कहते हैं क्या हुआ? तो श्रुति कहती है कि नहीं लेनी मुझे रिंग। अक्ष बोलते हैं अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं लेनी, अब क्या नया नाटक है? तो श्रुति कहती है ऐसा है, कोई नाटक नहीं है, आपका इतना खर्चा हो रहा है तो मुझे आपका खर्चा कराने का कोई शौक नहीं है, ठीक है?
तो आप इतने गुस्से में मुझे रिंग दिलाने लाया, तो मुझे रिंग की कोई भूख नहीं है। ऐसे रिंग ना मैं जो है ना दिन में 50 खरीद सकती हूँ। तो अक्ष बोलते हैं कि फिर बाप के पैसों पे अकड़ है, अपने आप कमाओ, अपने आप खरीदो, तब पता चलेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल काम होता है। समझ में आया? और मैंने तुम्हें रिंग लेने के लिए मना नहीं किया है, तुम्हें जो रिंग पसंद है तुम्हें वो रिंग मैं दिलाऊंगी। तो इतना नाटक मत करो, और मैं गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं हूँ। तो श्रुति कहती है कि हाँ वो मुझे पता है, कल से परसों से चिल्लाए जा रहे हो, पहले घड़ी के लिए फिर शर्ट्स के लिए, आप ही के लिए किया था ना, किसी और के लिए थोड़ी ना किया था मैंने। बेवजह की बात है, श्रुति मुँह बना के खड़ी होती है गुस्से में एकदम। तो अक्ष उनको कहते हैं अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, चलो रिंग तो ले लो। तो कहती नहीं चाहिए मुझे कोई रिंग। तो अक्ष बोलता है चल ले लो ना, गलती हो गई बाबा, चलो ले लो, जो रिंग तुम्हें पसंद है वो रिंग ले लेना। तो श्रुति बोलते हैं पक्का श्योर, फिर ये मत कहना कि इतनी महंगी रिंग ले ली और ये कर लिया और वो कर लिया। तो अक्ष बोलते नहीं कह रही यार, चलो जिस रिंग पे हाथ रखोगी वही रिंग ली जाएगी आपके लिए, ठीक है चलो अब अंदर। मुंह मत बनाओ ऐसा मुंह, मम्मी तुम्हारी देखेंगी, मम्मी देखेंगी घर पे तो फिर मेरे ऊपर भड़केंगी कि मैंने कुछ कर दिया इसलिए आपका मूड खराब है, तो ऐसे मत करो चलो। तो बहुत मना के अंदर लेके जाते हैं, फिर उन्हें रिंग दिखाई जाती है। श्रुति को एक रिंग बहुत पसंद आती है, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है, तो वो उस रिंग पे हाथ रखती हैं। तो अक्ष वो रिंग निकलवाते हैं और कहते हैं कि ये रिंग पैक कर दीजिए। तो शॉपकीपर कहता है कि ठीक है। तो अक्ष बोलते हैं कि क्या कितने की है ये, तो बोलते हैं कि 60,000। तो अक्ष को तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दिल ही बाहर निकाल लिया हो, उसकी तो एक महीने की सैलरी होती है। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं रहने दीजिए, मैं दूसरी पसंद कर रही हूँ, इतनी खास भी नहीं है, मैं दूसरी रिंग पसंद कर रही हूँ, रुक जाइए। तो अक्ष कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही प्रॉमिस कर चुके होते हैं। तो कहते हैं नहीं आप ये पैक कर दीजिए, मुझे भी यही पसंद है श्रुति, यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पसंद है, मैं दूसरी लेती हूँ। तो अक्ष को पता होता है कि इन्हें बहुत पसंद आई है, क्योंकि बहुत देर से वो रिंग देख रही होती है और अपने प्रॉमिस भी किया होता है उसने। तो कहती है कि नहीं अब एक बात बताओ, तुम्हें अपनी पसंद की रिंग पहननी है मेरी पसंद की? तो श्रुति बोलती है कि आपकी। तो कहते हैं तो मुझे यही पसंद है, ले लो। तो फिर श्रुति कुछ नहीं कहती और वो रिंग पैक करा लेती है और घर आ जा, रास्ते से मतलब घर के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। अब पूरे रास्ते ना अक्ष कुछ बोलते हैं ना श्रुति कुछ बोलती है, तो देखते हैं आगे क्या हो कि अभी तो रिंग है। और श्रुति मन में सोच रही होती हैं कि रिंग इतनी महंगी, परसों इतनी महंगी घड़ी, 15 शर्ट्स और अभी तो मंगलसूत्र भी आज दिखाना है, क्या होने वाला है। श्रुति का दिल बहुत घबरा रहा होता है, अक्ष एकदम चुपचाप गाड़ी चला रहे होते हैं, वो तो जैसे किसी सदमे में होते हैं। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आज तब्दीली स्टोरी नहीं आएगी, तब्दीली स्टोरी कल आएगी, क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है किसी काम से। सो बाय बाय, टेक केयर।